रामायणी। कामायनी। जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, श्रद्धा मनु को समझाती है कि मानवता की धारा स्वच्छंद होकर बहने दो, संकुचित सीमाएं मत खींचो, अपना सुख दूसरों में बांटो। लेकिन मनु को ये स्वीकार नहीं, उसके मुख रक्त लग गया, हिंसा में ही सुख जान पड़ने लगा। श्रद्धा माँ बनने वाली है ये जानकर मनु विचलित हो जाता है। उसे लगता है उसका एकांत सुख जैसे छिन जाएगा, प्रेम बंट जाएगा, स्वच्छंदता छिन जाएगी। रुष्ट होकर श्रद्धा को अकेला छोड़ मनु निर्जन प्रदेश की ओर निकल पड़ता है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी भाग 7। मैं अपना निवास स्थान छोड़कर चला आया हूं, सब जगह घूमा, सब जगह, पर शांति कहीं नहीं मिली। मैंने पर्वतों के वो उत्तुंग शिखर भी देखे जो इतने उन्मुक्त और उपेक्षित थे कि जिन तक किसी की पहुंच न थी। अचल हिमानी से ढके हुए वो पर्वत शिखर ऐसे लगते थे जैसे उन्होंने वसुधा का अभिमान भंग कर दिया है, परंतु वास्तव में तो वो अपनी जड़ता के ही प्रतीक थे, मिथ्या गौरव में फूले थे। सोच मनु, तनिक विचार कर, क्या तेरी स्थिति उन पर्वत शिखरों से भिन्न है? तू भी तो अपने जड़ गौरव का प्रतीक है। तुम अपनी अपूर्ण लालसाएं लिए घूम रहे हो, तुम्हारी असफल अभिलाषाएं तुम्हें जला रही हैं, व्यर्थ विचारों का धुआं तुम्हारे भीतर कड़वाहट भर रहा है। सुख के साधनों से संपन्न श्रद्धा के निवास स्थान को तो तुम छोड़ आए, अब व्यर्थ के मार्गों पर भटकने के सिवा और चारा भी क्या है? सचमुच में श्रद्धा विहीन होकर ही इस स्थिति को पहुंचा हूं। मनु, तुमने ठीक कहा, सचमुच ही तुम श्रद्धा को भूल गए हो। उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी की तुमने रुई की भांति उपेक्षा की। तुमने तो ये मान लिया कि ये विश्व मिथ्या है और इसका जीवन एक धागे में झूल रहा है जो अब टूटा और तब टूटा। जो क्षण सुख साधन में बीत जाए तुमने उन क्षणों को ही वास्तविक मान लिया, वासना की तृप्ति को ही तुमने स्वर्ग समझा। ये तुम्हारी विपरीत बुद्धि का व्यर्थ ज्ञान था। पुरुषत्व के मोह में तुम ये भूल गए कि नारी की भी कुछ सत्ता है। कौन हो तुम? कौन हो जो मुझे ललकार रहे हो? कौन हो तुम? कोई नहीं, कोई नहीं। क्या मेरी आत्मा ही मुझे धिक्कार रही है? क्या वही मेरे अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है? जिस अधिकार के लिए तुम इतने लालायित रहे हो वो एकांत अकेले का अधिकार है। अधिकार और अधिकारी में समरसता का संबंध होता है। तुम अपना अधिकार तो चाहते हो, परंतु दूसरा जो अधिकार चाहता है उसके प्रति तुम दुराग्रही हो जाते हो। कौन है ये? कौन? ये कौन? हो फिर वही काम, इसने इस भ्रम में ही डाला
छीना जीवन का सुख विराम। जिन क्षणों को मैं भूल गया था वो आज फिर से प्रत्यक्ष होने लगे हैं। आज मेरा तन और मन अभिशाप की अग्नि से जला जा रहा है। अगर तुम सचमुच ही कामदेव हो तो मैं पूछता हूं कि क्या तुमने ही श्रद्धा को पाने के लिए मुझसे स्नेहपूर्व आग्रह नहीं किया था? तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे प्राप्त किया और उसने भी मुझे अमृत से परिपूर्ण हृदय समर्पित कर दिया। फिर उलझन क्या है? उलझन श्रद्धा को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मेरी कामना पूरी क्यों नहीं हुई? मैं पूर्ण काम क्यों नहीं हुआ? मनु, श्रद्धा ने तो तुम्हें अपना हृदय दान कर दिया, वो हृदय जो प्रेम से परिपूर्ण था, सरल था और संभावित जीवन का प्रतीक था। तुमने उस हृदय की उपेक्षा की और केवल सुंदर जड़ देह के प्रति ही आसक्त रहे, उस देह का उपभोग करने की लालसा ही पाले रहे। अरे मूर्ख, सौंदर्य के समुद्र से तुमने तो केवल विष का पात्र ही प्राप्त किया। क्या क्या कहा? मैं इतना मति मूढ़ रहा? हां, तुम अत्यंत अबोध रहे हो। अपनी अपूर्णता को तुम स्वयं ही नहीं समझ पाए। जो पूर्णता तुम्हें प्रेम द्वारा प्राप्त होती, अधिकार मद में तुम उस पूर्णता से स्वयं ही वंचित रह गए। मैं चाहता था कि कुछ मेरा हो। कुछ मेरा हो, ये राग भाव बहुत संकुचित है। हृदय रूपी समुद्र की था इस क्षुद्र संकुचित जलयान से नहीं नापी जा सकती। किंतु मेरी स्वतंत्रता, मेरी अपनी स्वतंत्रता। हाँ, अब तुम स्वतंत्र बन गए ना। सारे पाप दोष दूसरों के मत्थे मड़कर तुम अपना अलग ही शासन चलाना चाहते हो। देखो मनु, संसार में द्वंद्व तो है ही, डाली में कुसुमों के साथ कांटे भी हैं। अब ये तुम्हारी अपनी रुचि पर निर्भर करता है कि तुम उपवन में से क्या बीन रहे हो, कुसुम या कांटे। तुमने प्राणमयी ज्वाला से प्रणय का प्रकाश ग्रहण नहीं किया। हां, वासना की जलन अवश्य प्राप्त की। तुमने ब्रह्म के अंधकार में खो जाने को ही प्राथमिकता दी। किंतु आगे अब भविष्य में अब भविष्य के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? अब तो तुम्हारे सारे प्रयत्न क्षोभ का ही कारण बनेंगे। तुम्हारा प्रजातंत्र शापग्रस्त होगा। नहीं, ये जो नवीन मानव सभ्यता होगी जिसका तुम विकास करोगे, वो सदा ही पारस्परिक विरोध की वृद्धि करेगी। वर्ण भेद, वर्ग भेद बढ़ता चला जाएगा। अनजानी समस्याओं की रचना कर मानव जाति अपनी ही विनाश लीला रचेगी। बस करो। अनंत कोलाहल, अंतहीन कलह सामने है। भेदभाव बढ़ेंगे, एकता नष्ट हो जाएगी। मनचाही वस्तु का मिलना तो दूर ही की बात है। हाँ, अनिश्चित दुखदाई अवसाद अवश्य घेरे रहेगा। इतनी मूढ़ता घेर लेगी कि एक हृदय दूसरे हृदय को पहचान ही नहीं सकेगा। सुख के सभी साधनों के होते हुए भी मानव कभी संतुष्ट नहीं होगा। जिस संकुचित दृष्टि को लेकर तुम चले हो, वो तुम्हारी संतान को भी दुख देगी। हाँ, मेरी संतान? हाँ, तुम्हारी संतान, तुम्हारी वो प्रजा जिस पर तुम शासन करोगे। मैं तुम्हारी उसी मानव जाति की बात कर रहा हूं।
मानव जाति की जीवन सरिता हाहाकार से भर जाएगी और उसमें पीड़ा की लहरें उठेंगी। लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ में गिरने वाले सूखे पत्तों की तरह अतीत की कहानी बन जाएंगे। एक दूसरे के प्रति संदेह और भय ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों इस अभिशप्त जीवन का कारण? कारण? कारण तुम स्वयं हो। मैं? हां, जब अधिकारी ही शासक ही उच्छृंखल हो जाएगा तब प्रजा से क्या आशा की जा सकेगी? तुमने ही श्रद्धा की अपनी ही संगिनी के प्रति विरोध की नींव डाली है, फलतः अब स्वजनों के बीच ही विरोधी भावनाओं का उदय होगा। ये शस्य श्यामला रमणीय प्रकृति दरिद्र और दलित होकर बिलखती रहेगी। किंतु मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम की सरिता के प्रवाह को कौन रोकेगा? उसकी पवित्रता तो वो प्रेम पवित्र नहीं रह पाएगा। स्वार्थ उसे अपवित्र करेगा। राग विराग के बीच संघर्ष करते ही जीवन बीत जाएगा। मस्तिष्क और हृदय एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। सद्भावना समाप्त हो जाएगी। इस तरह तो सारा जीवन ही युद्ध बन जाएगा। उस रक्त अग्नि की वर्षा में समस्त शुद्ध भाव भस्म हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। मानव जाति अपनी ही शंकाओं से अपने ही विरुद्ध होकर अशांत जीवन बिताएगी। हो, 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 इतना भयानक अभिशाप, क्या बिगाड़ा है आखिर मैंने? ये पूछो कि तुमने क्या नहीं बिगाड़ा। जो श्रद्धा विशुद्ध विश्वासमयी है, जो इस सृष्टि को पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानती है, उसने अपना सर्वस्व तुम पर निछावर किया और तुमने उसी के साथ छल किया। भविष्य की तो बात ही क्या, तुम अपने वर्तमान से भी वंचित हो जाओगे। नहीं, श्रद्धा ने कहा था ये लोक कल्याण की भूमि है। इस लोक में इन वाक्यों को मिथ्या माना जाएगा, फलतः परलोक भी वंचना से परिपूर्ण हो जाएगा। समस्त बुद्धि वैभव भ्रांत दिशा की ओर ले जाएगा। समस्त बुद्धि वैभव भ्रांत दिशा की ओर ले जाएगा। पूर्व दिशा लाल हो उठी, सूर्य का उदय हो रहा है। लगता है जैसे सुनहला पराग लिए कमल खिल उठा हो। वाह, फूलों की सुगंध को वायु चारों ओर बगरा रही है। मेरा तो प्राण तृप्त हो गया। नासिका के द्वारा सुगंध अंतरतम तक पहुंच गई। रोम रोम सुवासित हो उठा। है? ये सुगठित प्रतिमा, ये कौन है? कल्पना लोक की सुंदरी या स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा? कैसी मनोहर रूप राशि है ये। हल्के इस प्रकार बिखरी हैं जैसे शास्त्रार्थ करते तर्क जाल। उज्ज्वलतम चंद्रमा के खंड के समान
मस्तक ऐसा दैदीप्यमान हो रहा है जैसे विश्व का मुकुट हो, दो नेत्र जैसे कमल या पलाश के प्याले हो जो एक साथ राग विराग ढाल रहे हो। वाह, मुख की सुंदरता और मुखरता एक दूसरे से होड़ ले रही है। मनोहर मुख से गान ऐसे फूट रहा है जैसे कली पर भ्रमर गुंजार कर रहा हो। वक्षस्थल तो मानो सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की आधार भूमि ही है। इस प्रतिमा के एक हाथ में जो कलश है, लगता है वसुधा के जीवन का रस इसी में भरा है, जैसे कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दे रहा है। और दूसरा हाथ इस मुद्रा में है, मानो विचारों के आकाश को थामे हुए है। त्रिवली नाभि प्रदेश की तीन रेखाएं क्या हैं? सत्व, रज और तम तीन गुणों की लहरियां हैं। और चरणों की गति कैसी तालबद्ध है। लगता है मेरे निराश मन को, थके हृदय को यहां विश्राम मिलेगा। इस अनिंद्य सुंदरी को देखकर मेरे प्राणों की पुकार मौन क्यों हो गई? मेरे जीवन की सरिता का प्रवाह अवरुद्ध क्यों हो गया? इसमें उठती लहरियां क्यों बंद हो गईं? ऐसा लगता है जैसे जैसे प्रकृति की चंचलता ही स्तब्ध हो गई हो, वायु तक ने चलना बंद कर दिया है। क्या सचमुच ही ऐसा है, या मैं अपने मन का प्रतिबिंब प्रकृति में देख रहा हूं? अरे, ये स्वर्णिम छाया सी मेरी ओर कौन बढ़ती चली आ रही है? ये तो साक्षात चेतनता है, एक आलोकमयी मुस्कान है। प्रतिमे, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त कर सकता हूँ? मेरा नाम एड़ा है। एड़ा? हाँ। कौन एड़ा? एड़ा के तो अनेक रूप हैं, तुम कौन सी एड़ा हो? मैं सारस्वत प्रदेश की स्वामिनी एड़ा हूँ। किंतु सारस्वत प्रदेश तो उजड़ चुका है। वो सब भी बताऊंगी, परंतु पहले आप अपना परिचय तो दें। आप कौन हैं? इधर किस लिए आए हैं? आपकी मंद मुस्कान और नुकीली नासिका के पतले फड़कते पुट जैसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप कौन हैं? हे सुंदरी, मेरा नाम मनु है। मैं इस संसार का एक भटका हुआ पथिक हूँ जो क्लेश सह रहा है। स्वागत है आपका। जैसा कि आपने कहा, मेरा ये सारस्वत प्रदेश उजड़ चुका है, आप देख ही रहे हैं। ये मेरा ही राज्य था, लेकिन भौतिक कारणों से इसमें बहुत हलचल मची और ये इस अवस्था को प्राप्त हुआ। इस उजड़े हुए प्रदेश में भी मैं इस आशा से पड़ी हुई हूं कि शायद कभी मेरे दिन भी फिरें। देवी, मैं आ गया हूं, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, किंतु ये तो बता दो कि जीवन का सहज मूल्य क्या है? वास्तव में जीवन क्या है? मुझे तो भविष्य का ज्ञान नहीं है। तुम इस सृष्टि के भविष्य के पट खोल दो, मुझे बता दो कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। मनुष्य यदि स्वयं विचार करे तो वो अपने भविष्य के संबंध में बहुत कुछ निश्चित कर सकता है।
मैं क्या विचार करूं, संसार के इंद्रजाल को देखते हुए ही मैं दुविधा में हूं। आखिर वो कौन है जिसने ग्रह, उपग्रह, विद्युत आदि का निर्माण किया है? मुझे तो ये सब महाकाल की क्रीड़ा ही जान पड़ती है। यदि ऐसा ही है तब तो वो बड़ा निष्ठुर है और उसकी ये रचना भी बहुत कठोर है। तुम्हारी ये दृष्टि तो यही सिद्ध करती है कि केवल विनाश की ही जीत होती रही है। हाँ, यदि ऐसा है तो मूर्ख लोग इस नाशमयी लीला को सृष्टि का, सृजनात्मकता का नाम क्यों देते हैं? प्रश्न उठता है कि इसका अधिपति कौन है? जो भी कोई हो, उस तक दुख की पुकार नहीं पहुंच पाई। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सुखों पर दुखों का अंधड़ हावी रहता आया है। बनु, क्या तुम शनि के उस नीले लोक को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। उससे भी आगे गगन, अंतरिक्ष, सब कुछ देख रहा हूं। सुनते हैं कि उसके भी परे प्रकाश का एक लोक और है। ठीक सुना है तुमने। क्या वहां की कोई किरण आकर मेरी स्वतंत्रता में सहायक नहीं हो सकती? क्या इस सब का अधिपति नियति जाल से मुक्ति का कोई उपाय सुझा नहीं सकता? आखिर वो कोई तो है। कोई भी हो, वो क्या बोले, भलाई इसी में है कि मनुष्य उसके पीछे पागल होकर किसी अन्य पर निर्भर ना रहे, अपनी दुर्बलता से मुक्ति पाकर अपनी शक्ति को पहचाने और गंतव्य मार्ग पर चल पड़े। ये बात है, तब तू भी उठ, किसी के आगे हाथ मत पसार, अपने पैरों पर खड़ा हो मनु और निर्दिष्ट मार्ग की ओर चल पड़। जिसने चल पड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसे भी कभी क्या कोई रोक सका है? हाँ हाँ मनु, तुम स्वयं अपने सहायक हो, तुम्हें किसी अन्य सहाय की आवश्यकता नहीं है। जो बुद्धि कहती है तुम वो ही करो। ठीक कहा तुमने, बुद्धि जो मार्ग सुझाती है, यदि मनुष्य उस पर नहीं चलता तो फिर किसकी शरण जाए? जितने भी विचार और संस्कार हैं, बुद्धि के द्वारा ही संचालित हैं। उनके लिए कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। देखो मनु, ये प्रकृति परम रमणीय है, अनंत ऐश्वर्यों से भरी हुई है, कमी है तो केवल शोधकर्ता की। तुम ही उसके शोधकर्ता बनो। तुम प्रकृति के सब रहस्य खोलने में समर्थ हो। बस कमर कस लो और कर्म में लीन हो जाओ। प्रकृति की सभी शक्तियों पर नियंत्रण करो, सब पर शासन करो और अपनी क्षमता को बढ़ाते चलो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मनु, मैं ठीक ही कह रही हूं। तुम ही इसके निर्णायक हो। जहां कहीं भी विषमता या समता में असंतुलन देखो, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय करो। तुम जड़ता को चेतनता में बदल डालो। क्या ये संभव है? सब कुछ संभव है मनु, सब कुछ संभव है। विज्ञान इन सब का सरल स्वाभाविक उपाय है। तुम नए नए वैज्ञानिक साधनों की खोज करो, नए उपकरण तैयार करो, नूतन से नूतन आविष्कार करो, फिर देखो कि सब कुछ संभव होता चला जाएगा। मनु, वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा ही तुम्हारा यश संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। हीरा, हीरा मुझे स्वीकार है, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। हीरा, जो तुम कहोगे।
कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का 7वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता नवीन, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, ध्वनि अंकन के एन जोशी, निर्माण प्रबंध प्रियंका। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, कमल वर्मा, नरेंद्र जोशी और अर्चना प्रभाकर।